ये पराठा हमारा, ये देखिए एक नंबर, देखिए फूल गया ये पराठा हमारा, मूली का पराठा भी फूल गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन से रेसिपी में, और आज हम बनाने वाले मूली के पराठे। मूली तो चाहिए ना, मूली के पराठे बनाएंगे, तो मूली हटा देते हैं। और यहां मैंने ये एक किलो मूली कद्दूकस कर ली है। कद्दूकस करने के बाद में एक जो चंगली टाइप का एक कपड़ा होता है, जिसमें बारीक, बिल्कुल जो बारीक होता है, उसमें हमने इसका पानी निकाल लिया है। ये देखिए अच्छे से पानी निकाल लें आप। अब इसको जो हमने कद्दूकस किया है, वो किया है हमने बड़े वाले कद्दूकस से। ये देखिए हमने इस बड़े वाले कद्दूकस से किया, इस बारीक वाले से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ेगी, और जब पराठे बनाएंगे इसके तो क्या होगा कि इससे अगर करेंगे तो फिर आपको फ्लेवर भी नहीं आएंगे मूली के, और टेस्ट भी नहीं आएगा। अब देखिए मेरा तरीका हमेशा थोड़ा सा अलग होता है बनाने का, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, और थोड़ी सी मेहनत में अगर बढ़िया रिजल्ट आए तो फिर क्या दिक्कत है। तो इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, पानी अच्छे से निचोड़ लें आप, मतलब 80% पानी निचोड़ लें, 20% तो रहेगा ही रहेगा, आप कितनी भी ताकत लगा के निचोड़ लें। हाँ, अगर आप ये बारीक वाले से करेंगे तो पूरा 90-95% पानी निकल जाएगा, लेकिन फिर फ्लेवर मूली के नहीं आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटे मसालेदार मूली के पराठे। पहला काम हमने किया है, कढ़ाई चढ़ा दी है सुंदर और सुशील वाली, घर वाली। अब देखिए आप इस जो मैं कढ़ाई में करने वाला हूँ, आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको बढ़िया रिजल्ट और फ्लेवर चाहिए तो आपको ये स्टेप, मतलब मेरे जैसे पराठे चाहिए, फ्लेवर वाले चाहिए, और सब आपकी तारीफ करें और एक की जगह चार पराठे मांगे, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कढ़ाई गर्म होने के साथ ही इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होने के साथ ही सबसे पहले डाल देनी है आपको 2 प्याज बड़े साइज की बारीक कटी हुई। प्याज के साथ डाल देना है आपको करीब 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, पेस्ट भी डाल सकते हैं आप। अदरक यहाँ डालेंगे तो मुंह में नहीं आएगा, और आप मुझे बताना कि जब अदरक है ना टुकड़े करके डालते हैं, मुंह में आता है तो फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है ना, मुझे पसंद नहीं है, तो ये मिला लेते हैं। प्याज को ज़्यादा आपको यहाँ पे फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब हल्की सी सॉफ्ट, यानी 1 मिनट के आसपास आपको यहाँ पे प्याज को चलाना है तेल में मीडियम लो फ्लेम पर। तो जैसे ही 30 सेकेंड आप प्याज को चला लें, उसके बाद डाल लेनी इसमें लहसुन। लहसुन की 2 गांठ है और करीब 40 कलियाँ हैं, जिसे हमने कूट लिया है मामदस्ते में, ये डाल दें। तो अगर आपको लहसुन का कच्चा फ्लेवर पसंद है तो आप सिर्फ इसे 30-40 सेकेंड ही फ्राई करें, और अगर आपको कच्चा फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे 2-3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करें। तो यहाँ पर मैं ना तो कच्चा रखने वाला हूँ और ना मैं इसे ज़्यादा फ्राई करने वाला हूँ, तो मैं इसे 1-1.5 मिनट फ्राई करने वाला हूँ बिल्कुल लो फ्लेम। सिंपली 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं हम हरी मिर्च, करीब 4 हरी मिर्च डाल देंगे। कच्ची वाली हो तो आप 8-10 भी डाल सकते हैं, एक बार मिला लेते हैं। सिंपली डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, तीखी वाली लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, मिला लेते हैं एक बार। गैस इस जगह लो फ्लेम पे रखनी है वरना मसाले जल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। 1 टीस्पून चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं आप चाट मसाले की ये रेसिपी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, मतलब आपको गरम मसाला कुछ भी डालेंगे ना, ये चाट मसाला डालिए, हाँ हर रेसिपी में मज़ा आ जाएगा, हर सब्जी बनाएंगे जिसमें मज़ा आ जाएगा। मिला लिया है, मेन चीज नमक, यहाँ डालेंगे नमक करीब 1 टीस्पून डाल देंगे, मिला लेते हैं, लेकिन 1 टीस्पून में काम नहीं होगा तो हमें इसे 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि अभी मूली भी डालेंगे इसमें, तो ये हो गया 1/2 टेबल स्पून नमक, मिला लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें 2 टमाटर बारीक कटे हुए, बीज और छिलका निकाल कर मिला लेते हैं। यहाँ पर डाल देनी है मूली, टमाटर को जैसे 30-40 सेकेंड चला ले, मूली जो हमने कद्दूकस की है वो डाल देंगे, इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना है, एक चीज़ का ध्यान रखें, और पानी आप जब हमने मसाले पकाए थे तो
तो पानी हम डाल सकते थे, लेकिन अभी मूली में थोड़ा बहुत पानी है, वो भी पानी छोड़ेगी मूली। अब इसे यहाँ पर 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, 5 मिनट देने हैं। अगर बढ़िया फ्लेवर चाहिए तो ये 5 मिनट आपको मूली इसमें तेल में और मसालों में चलानी ही पड़ेगी। अब 1 मिनट में मिला के अगर वैसे भी बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समय का अभाव है तो आप क्या कर सकते हैं, बस इसे मिला लें, गैस बंद कर दें, धनिया डाल दें बारीक कटा हुआ और पराठे में ये स्टफिंग तैयार है। लेकिन नहीं, 5 मिनट चलाएंगे तो खाने वाला बोलेगा क्या बनाया आपने, मज़ा आ गया। देखिए हल्का हल्का सा पानी छोड़ने लगी है मूली और नीचे लग भी नहीं रही है क्योंकि पानी है मूली में भी। अब बस क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं, ठीक है, करीब 50 ग्राम, और मिक्स कर लेते हैं। अब इसे बस 2 मिनट और चलाना है, 3 मिनट हो गए हैं, पानी इसका जलाना है। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, एक बर्तन में खाली करके ठंडा कर लेंगे। तो ये लीजिए आटा भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। अच्छे से पानी निकाल ले, मतलब जला ले, थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा। अब इसमें क्या करना है, पहले तो हमें ये करना है, प्रणाम करना है, और इसमें से एक लोई ले लेनी है, थोड़ी सी मोटी लोई लेनी पड़ेगी ये, और इसको इस तरीके से रब करके ये इस तरीके से, अब इसे इस तरीके से रोल करेंगे। ये देखिए अंगूठा है ना, ऐसे ऐसे आपका चलना चाहिए तो ये बढ़िया से हो जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे करें स्टर, मतलब लगाएं, दम लगाएं, और ये देखिए किनारी से ऐसे अंगूठा चलाना है। सारा रोल है ना पराठे बनाने का अंगूठे का होता है। अब इसको एक कटोरी नुमा साइज दे देना है, कटोरी, जैसे कटोरी होती ना वैसे कर देना है। ये देखिए अच्छे से कटोरी बन गई है। अब क्या करना है, इसमें स्टफिंग भरनी है, जितनी ज्यादा स्टफिंग होगी उतना मजा आएगा। दबा दे थोड़ा सा स्टफिंग को, 2 चम्मच तो डालनी पड़ेगी। अब एक काम और आपको करना है, एक कपड़ा रखना है साथ में और इसको इस तरीके से, ये देखिए ये फिर अंगूठे का काम होगा, और इसको इस तरीके से करना है और चम्मच का सहारा लेकर दबा देना है। आप उंगली से भी दबा सकते हैं, इस तरीके दबाते जाएं और इसे ऊपर करते जाएं इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, आह ये लीजिए, ये फिर दबा देते हैं, ये दबा दिया, फिर इसको ऊपर कर देंगे ऐसे, करीब 3 बार आपको दबाना पड़ेगा। अब मैं उंगली का सहारा लेके दबा देता हूँ, पर उंगली साफ कर ले, वरना क्या होगा कि आटा आपका ऐसा पीला पीला हो जाएगा। बिल्कुल मुंह बंद कर देना है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसे ना इस तरीके से दबाने के बाद में इसे तोड़ सकते हैं, पर मैं इसे तोड़ने वाला नहीं, बस ऐसे घुमा दें और घुमा के यहीं पर सेट कर दें, और यहाँ रख देते हैं इसे हम प्लेटफॉर्म पे, और इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। आहा, वाह, और अब इसे बेल लेते हैं थोड़ा सा पहले। ये देखिए एक काम करें, अगर चारों तरफ स्टफिंग चाहिए ना आपको, स्टफिंग चाहिए तो आपको करना क्या है, इस तरीके से किनारियों किनारियों पे ऐसे उंगली चलानी है, और थोड़ी सी बीच में, और फिर किनारियों पे, ये इस तरीके से स्टफिंग चली गई है चारों तरफ। अब बस सूखा आटा तो बहुत साथी होता है, बेल लेते हैं। तो आपको ये बेलन चलाना है इस तरीके, यहां से यूं, यहां से यूं। अब ये देखिए गोल तो बिलानी है, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब ये तेल है इसके अंदर तो तेल आएगा बाहर, लेकिन कंफर्म हमारा पराठा जरूर फूलेगा। तो अब क्या करते हैं, इसे डालते हैं तवे पे। तो तवा हमने गरम करने रख दिया है, और अब तवे पे, तवा आपको ज्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है। अब ये पराठा गया है इसमें, अब 1 मिनट देखिए तेल अभी नहीं लगाना है, ना तो नीचे से फ्राई करने पर ना ऊपर से फ्राई करने पर। 1 मिनट नीचे से इसे फ्राई, मतलब सेकना है यानी रोस्ट करना है, फ्राई तो तेल में हो जाता है, तो होने देते हैं इसे 1 मिनट, और 1 मिनट बाद इसे पलटना है। दोनों तरफ से आपको इसको 1 मिनट नीचे से और 1 मिनट ऊपर से सेकना है, और सेकने के बाद फिर तेल लगाना है। सिंपली 1 मिनट हो गया है, थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेते हैं और अब इसे पलट देते हैं। अब 1 मिनट नीचे से भी करना है,
यहाँ गैस पहले हाई फ्लेम पे और फिर मीडियम लो फ्लेम पे रखनी है। तो ये लीजिए, नीचे से भी एक मिनट कर लिया, आप इसे एक बार फिर पलट देते हैं। अब लगाना है इस पे तेल, ये गया इस पे तेल, चारों तरफ स्प्रेड करना है तेल को। जैसे ही यहां पर तेल स्प्रेड कर ले, फिर इसे एक बार पलट दें, ये देखिए फूल रहा है, ये देखिए, लेकिन पलट देते एक बार। अब यहां पर भी तेल लगा देते हैं। ये लीजिए, ये पराठा हमारा, ये देखिए एक नंबर, देखिए फूल गया ये पराठा हमारा, मूली का पराठा भी फूल गया। ये थोड़ा सा किनारियों पे डाल देते हैं, जिससे किनारियां कच्ची नहीं रहेगी। ये यहां से देखिए थोड़ा सा फट गया, इसको दबाएंगे, देखिए फूल जाएगा, ये देखिए, आ हा 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 हा, एक नंबर। लीजिए अब इसे एक बार और पलट देते हैं, क्या खुशबू आ रही है, एक नंबर। जहां से फटा हुआ वहां दबाएंगे ना, देखिए कैसे फूलेगा, आ हा हा, ये लीजिए तैयार है चटपटा मसालेदार मूली का पराठा। इसी तरीके से सारे पराठे बना लेंगे। फ्रेंड्स सारे पराठे बनकर तैयार है, तीन चार तो घर वाले खा गए, और ये देखिए इतनी स्टफिंग बच गई है। तो दो कप मैंने आटा लिया था, तो करीब आपने जो मैंने स्टफिंग बनाई है, करीब पूरी फैमिली के लिए हो जाएगी, ठीक है। और आप स्टफिंग, ये जो स्टफिंग है, तो आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी और मज़ा आएगा। तो ये पराठे हमारे बनकर तैयार हैं, बढ़िया से फूले फूले मूली के पराठे। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ऐसी ही रेसिपी पाने। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो बनाए हैं मूली के पराठे, उसे लहसुन की चटनी के साथ खाकर खत्म करते हैं।